So dear students, this is Praveen, and this video I'm recording for a update, recent update that the IFoA has put in on their website regarding the COVID-19 pandemic. So like pehle thoda clarifications utne nahi the, but abhi unhone ye bol diya hai ki jo written assessments hai wo pehla baat to examination centers mein nahi honge. जो कि ऑनलाइन examinations है लाइक CP2 एंड CP3 वो जैसे होते थे वैसे ही कंडक्ट होंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं CP2 एंड CP3 ऑनलाइन examinations विल हैपन एज प्लान्ड. जो रिटन examinations है वो सेंटर्स पे नहीं होंगे. एज ऑफ नाउ वो सेंटर्स पे नहीं होने वाले हैं. एंड इंस्टीट्यूट के पास, इंस्टीट्यूट ने दो ऑप्शंस अभी बोल रखे हैं, लाइक दे हैव मेड टू ऑप्शंस ओपन फॉर राइट नाउ. या तो वो लोग ऑनलाइन असेसमेंट में जाएंगे या फिर वो लोग पोस्टपोन करेंगे. जैसे पूरा जो करिकुलम है उसमें CP2 एंड CP3 जैसे होता था वो वैसे ही होगा. एंड जो भी सारे एग्जामिनेशंस थे, लाइक मेजरली द पीपल आर कंसर्न अबाउट CM1, CM2, CS1, CS2, CB1 एंड CB2, तो ये सारे जो एग्जामिनेशंस हैं ये एज ऑफ नाउ अभी इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया है कि क्या ये सारे एग्जामिनेशंस ऑनलाइन असेसमेंट बेस्ड होंगे, और अगर होंगे तो कैसे होंगे, या फिर इनको पोस्टपोन किया जाएगा. लाइक पहले अभी जैसे मैं एक वीडियो ही रिकॉर्ड कर रहा था तो उसमें देयर वाज नॉट मच क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द पेपर बी एग्जामिनेशन, बिकॉज वो भी एक ऑनलाइन टाइप का ही एग्जाम है. जो हमारा एक्सेल और आर का एग्जाम होता है वो भी एक ऑनलाइन टाइप का एग्जाम है. बट अभी जस्ट इंस्टीट्यूट ने ये जो नोटिफिकेशन लगाया है इसमें उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि बाई ऑनलाइन एग्जामिनेशंस दे मीन CP2 एंड CP3. तो CP2 एंड CP3 तो एज इट इज होगा, एंड बाकी सारे में वो लोग दो चीज में मूव कर सकते हैं, या तो वो लोग पोस्टपोन करेंगे या फिर वो लोग ऑनलाइन असेसमेंट में जाएंगे. तो जैसे कि इतना शॉर्ट नोटिस में, जो मेरा टेक है, आई एम नॉट श्योर, जो मेरा टेक है इस पे कि इतना शॉर्ट नोटिस में ऑनलाइन असेसमेंट में जाना इज नॉट प्रैक्टिकल, बट IFoA इज अ प्रोफेशनल बॉडी, दे मे गो फॉर ऑनलाइन असेसमेंट. सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू स्टूडेंट्स, जब तक कोई कंक्रीट अपडेट नहीं आ जाता है प्लीज कैरी ऑन योर स्टडीज. आप ऐसा समझो कि आप अप्रैल में एग्जाम देते वही एग्जाम आप मई में दोगे, जून में दोगे, राइट? तो पढ़ना तो आपको है ही, वैसे भी और ऐसे भी. आज नहीं तो कल आपको वो चीज़ पढ़ना ही है, तो क्यों ना आज ही पढ़ के रख ले उसको. तो प्रिपरेशन में कुछ भी कमी मत करिए, बिकॉज अब अगर एक बार ढील देंगे तो ये 10 दिन 15 दिन कैसे निकलेगा मजाक मस्ती में आपको पता भी नहीं चलेगा. दोज हुआ वर्किंग, इट्स माई रिक्वेस्ट टू देम कि जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़िए. अभी आपको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू ऑल टू मेक श्योर कि आपका वो पेपर एकदम बहुत अच्छे से क्लियर हो, एंड ना कि क्लियर हो, बहुत अच्छा मार्क्स आए. सो अभी यहां से जो हम लोग के पास में न्यूज आया है कि दे आर एक्सप्लोरिंग वेज कि किस तरीके से या तो वो लोग एक ऑनलाइन असेसमेंट में जाए. लाइक सिंस IFoA इज अ प्रोफेशनल बॉडी, वो कुछ भी कर सकता है, वो ऑनलाइन असेसमेंट में भी जा सकता है. तो आई एम नॉट सेइंग कि ऑनलाइन असेसमेंट नहीं हो सकता है, बट हाँ डेफिनेटली इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम निकल के आता है रादर देन अ पोस्टपोनमेंट. जैसे कि उन्होंने खुद ने लिखा है पॉसिबली टू अ पोस्टपोनमेंट, तो इसका मतलब क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली जो चीज निकल के आ रहा है पोस्टपोन ही होगा, बट वो लोग ऑनलाइन असेसमेंट में भी मूव कर सकते हैं. तो प्लीज जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे ही करिए. एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट वीक तक उनका एक अनाउंसमेंट आएगा, ये बात तो ठीक है, बट यहां पर उन्होंने एक बड़ा बात बोल दिया है, वी आर हाउएवर कीन टू एक्सप्लोर एनी वेज दैट विल स्टिल एनेबल अस टू रन अवर एग्जामिनेशंस फॉर दोज दैट चूज टू टेक देम. इसका मतलब यह है कि सिंस देयर इज अ पैंडेमिक गोइंग ऑन, हो सकता है कि आपके घर में वो चीज हो, या फिर आपके लोकैलिटी में वो चीज हो, फिर आपके कंट्री में वो चीज हो रहा हो, तो इंस्टीट्यूट हैज कंसिडर्ड दिस थिंग इन मैटर. एंड वो लोग ने ये चीज बोला है कि जो लोग देना चाहेंगे उन लोगों के लिए ऑनलाइन असेसमेंट वो लोग करवा सकते हैं. जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है फॉर दोज हु चूज टू टेक देम, इसका मतलब क्या है? देखो इन्होंने यहां पर एक और बात लिखा है कि इंफॉर्मेशन ऑन रिफंड्स विल आल्सो बी प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ अवर नेक्स्ट अपडेट. मैं जो मेरा यहां से निकल के आ रहा है, जो मेरे को ये लग रहा है कि उन्होंने ये लाइन इसलिए लिखा है, वरना ये रिफंड वाला बात वो लोग नहीं लिखते,
ड्यू टू दिस पैंडमिक गोइंग ऑन इफ इंस्टीट्यूट टेक्स द एग्जामिनेशन ऑन द डेट्स एज दे हैव प्लान्ड फ्रॉम अप्रैल मिड टू अप्रैल एंड जैसे उन्होंने प्लानिंग किया था अगर उन्होंने वैसे ही एग्जामिनेशन लिया तो आपको एक टेक दिया जाएगा जैसा कि मेरे को लग रहा है बट इस पर भी उन्होंने कोई भी क्लैरिफिकेशन जारी नहीं किया है दे हैव जस्ट सेड कि फॉर दोज दैट चूज टू टेक दम एज वी नो अवर स्टूडेंट्स हैव अंडरटेकन अ ग्रेट डील ऑफ स्टडी एंड वॉन्ट टू मेंटेन देयर प्रोग्रेस इन्फॉर्मेशन ऑन रिफंड्स ओके ओके अब इन्होंने यहां पर कंफर्म वर्ड भी लिख दिया मैं आपको फिर से पढ़ के सुनाना चाहूंगा वी कैन कंफर्म अवर स्टूडेंट्स विल बी गिवन ऑप्शंस फॉर देयर अप्रैल एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशंस व्हिच रिस्पोंड टू देयर ओन पर्सनल सर्कमस्टेंसेस जैसे कि मैंने आपको बोला तो इंस्टीट्यूट आपको ऑप्शन देगा कि आपको ये अटेम्प्ट लेना है कि नहीं लेना है इफ ऑनलाइन असेसमेंट होता है तो लाइक यहां से तीन चार बात निकल के आ रहा है या तो हो सकता है सबके लिए पोस्टपोन कर दे या फिर वो लोग आपको ऑप्शन दे फॉर एग्जाम्पल आई हैव रजिस्टर्ड फॉर CB1 फॉर एग्जाम्पल तो इंस्टीट्यूट में कोई ये बोल सकता है कि क्या तो आप पोस्टपोन कर लो पोस्टपोन वाले डेट पे दो सबके लिए सेम होगा वो तो अगर पोस्टपोन होता है तो सबके लिए सेम होगा या फिर इंस्टीट्यूट ये भी बोल सकता है कि जो लोग को सेम डेट में लाइक माय एग्जामिनेशन डेट इज 16th of April तो इंस्टीट्यूट ये क्लैरिफिकेशन ला सकता है कि 16th of April को जैसे एग्जाम होना था बस वो सेंटर पे नहीं होके आपके घर से होगा दिस इज व्हाट दे मीन बाय ऑनलाइन असेसमेंट एंड इंस्टीट्यूट में कोई ऑप्शन देगा कि मेरा मन हो तो मैं अप्रैल वाला एग्जाम दूं वरना आई कैन क्लेम अ रिफंड उन्होंने ये बात यहां पर लिखा है बट वी शुड वेट फर्दर और इसमें थोड़ा क्लैरिटी आने दो बट आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर ऑनलाइन असेसमेंट होता है तो जैसा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं प्लीज वैसे ही करिए एंड जिस टर्म में एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है उस टर्म में ही दीजिए एग्जाम को डेफर मत कीजिए बिकॉज आई हैव फेस द सर्कमस्टांसेस डेफर करने से नेक्स्ट टाइम सेम कंटेंट पढ़ने का इच्छा पूरा खत्म हो जाता है तो प्लीज जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़िए डेफर के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए ऐसा समझिए कि ऑनलाइन असेसमेंट हो तो बहुत अच्छा है जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए एंड यहां पर जैसे उन्होंने बोल दिया है वी कैन कंफर्म अवर स्टूडेंट्स विल बी गिवन ऑप्शंस फॉर देयर अप्रैल एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशंस व्हिच रिस्पोंड टू देयर ओन पर्सनल सर्कमस्टांसेस As soon as we are able to confirm arrangements, we'll do so. Like उन्होंने अभी online assessment के बारे में plan कर रहे हैं अगर उनका वो success होता है तो online examinations या फिर assessment के बारे में बताएंगे आपको option मिलेगा आपको देना है कि नहीं देना depending on your circumstances. But इसमें institute एक और चीज़ कर सकता है जो कि मेरे को लग रहा है कि you need to show them your valid proof कि हाँ आपके situation सही में ख़राब है आप जहाँ से रहते हो जहाँ पर आप काम करते हो फिर आप जहाँ पर कुछ भी करते हो वहाँ पर सही में एक pandemic type का situation create हुआ हुआ है तो हो सकता है इंस्टीट्यूट कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन या फिर प्रूफ टाइप का मांग ले सो प्लीज अभी के लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यही रिक्वेस्ट है पूरा एक्चुअल फ्रेटर्निटी से कि जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उसी तरीके से पढ़िए ये टाइम को वेस्ट मत करने दीजिए इट्स ऑल अबाउट व्हाट चॉइसेस यू मेक आई हैव मेड माय सेल्फ वेरी क्लियर तीन चार बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा रिटन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन CP2 CP3 जैसे थे वैसे ही होंगे एंड जो पूरा हमारा जो फर्स्ट स्टेज है लाइक जो आपका जितने भी सारे CP2 CP3 को छोड़ के एग्जाम्स है उनके बारे में इंस्टीट्यूट ने बोला है कि या तो ऑनलाइन असेसमेंट होगा या फिर पोस्टपोनमेंट होगा और अगर ऑनलाइन असेसमेंट होगा तो आपको ये चांस दिया जाएगा डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल सर्कमस्टांसेस कि आपको देना है कि आपको नहीं देना है अगर आप नहीं दोगे यहाँ उन्होंने रिफंड के बारे में भी लिखा है कि दे विल अपडेट रिगार्डिंग द रिफंड प्रोसेस बट दे मे आस्क फॉर सम काइंड ऑफ वैलिडेशन ऑफ प्रूफ जिनके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है सो टिल देन यू शुड वेट एंड Stay at your home, stay safe, thank you.